अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ आप देख रहे हैं कि बड़ी एक हसीन सी लड़की खड़ी है, इसका नाम है तूबा अनवर। और तूबा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही। किसका जोड़ा पहन रखा है? जी मैं मायसी बाय ताहिरा का जोड़ा आज पहनी हुई हूँ और बहुत मुझे भी बहुत पसंद आया इसीलिए मैंने पहन लिया। अच्छा, आपकी कोई नॉमिनेशन भी नहीं है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर मौजूद हैं हौसला अफजाई के लिए। ये बताइएगा कि जो अवार्ड होता है ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है? थोड़ा आर्टिस्ट देखें, ये मेरे ख्याल में अवार्ड ज़रूर होने चाहिए, इससे आर्टिस्ट के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी एक अप्रिसिएशन होती है ज़रूर। लेकिन आई थिंक कभी कभी अवार्ड से भी बढ़कर कोई एक चीज़ होती है रिवॉर्ड, जो हमें लोगों के प्यार में मिलता है। और जिन लोगों को अगर आपको अवार्ड नहीं भी मिलते तो फिर आपको लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत, तो आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है दोनों। बेबी बाजी बहुत हिट हुआ आपका वो किरदार, तो ये बताइएगा कि वो जो बेबी बाजी का आपको रिस्पांस मिला है उस पर आप क्या कहेंगी? उसके बाद आपने क्या डिसाइड किया कि सोच सोच के आपने कुछ प्रोजेक्ट्स लेने हैं या? अच्छा, प्रोजेक्ट्स वैसे मैंने हमेशा ही सोच के लिए हैं और बड़े सेलेक्टिव लिए हैं। बेबी बाजी की स्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो जिससे बहुत सारे लोग रिलेट कर सके और एक बड़ा घर वाली कहानी थी उसकी, लेकिन लोगों ने बड़ा प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा तो भाई ये बताइएगा, सोशल मीडिया का दौर है तो यहाँ पर आर्टिस्ट बात कोई करता है, उसको रंग कोई दे दिया जाता है, बात पकड़ी जाती है। जब आप सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ कोई ऐसी चीज़ चलती हुई देखती हैं, आप इग्नोर करना पसंद करती हैं या आपका दिल करता है मैं जवाब दूँ? जी मैं हमेशा इग्नोर करना पसंद करती हूँ। और आप लोग अगर वैसे भी कभी देखें तो मैंने कभी कोई नए स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, मैं इस तरह की कोई बातें करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि इंसान अपने काम पर कंसनट्रेट करे और उससे पहचाना जाए, ना कि वो कॉन्ट्रोवर्सीज और गलत बातों में पढ़कर अपने आप की पहचान बनाए। सूरत आप बहुत, और फिल्म में कब दिखाई दे रही? देखिए अगर कुछ अच्छा मिला तो फिर ज़रूर। चलिए, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सारा दिन बैठ के सोशल मीडिया पे नफरत फैलाते रहते? मैं ये कहूँगी कि अपनी एनर्जी को किसी अच्छे पॉजिटिव काम में लगाएं और नेगेटिविटी से दूर रहें, आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी। सियासत में दिलचस्पी है? सियासत में नहीं, नॉट रियली। Thank you.